तो दोस्तों हम बात करेंगे IDFC के स्टॉक के बारे में। IDFC के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो देखेंगे जो स्टॉक है हमको मार्च से यहाँ पर लगातार क्लियर अपट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको स्टॉक में लगातार हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 1.44% की यहाँ पर एक तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ से हम अब स्टॉक में बात करें, यहाँ से अभी हमारे पास स्टॉक है 123.70 का जो लेवल है ये एज अ नेक्स्ट स्टॉप और रेजिस्टेंस काम करेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यासम को स्टॉक है 126। अगर यहाँ पर स्टॉक ने इसको ब्रेक किया देन यासम को स्टॉक में अगेन एक अच्छी तेज़ी एक अच्छी बैंक यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको ब्रेक किया देन यासम को स्टॉक है 130। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको यहाँ ब्रेक करेगा देन यासम को स्टॉक है 135-140 तक के लेवल्स में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ऐसा नेक्स्ट स्टॉप और रेजिस्टेंस। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से अब गिरावट की कंडीशन में हमारे पास स्टॉक है 120 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन हम यहाँ पर स्टॉक है 117। अगर यहाँ पर स्टॉक ने इसको ब्रेक किया देन यासम को स्टॉक में अगेन 115 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज ए नेक्स्ट स्टॉप और सपोर्ट। तो इस स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है। वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए। धन्यवाद।